अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूपीसी हार्डवेयर एंड प्रोफाइल ओपन एवल में 70 फ्रेम, और इसमें जो रिंग फोर्स डाला हुआ है ये रिंग फोर्स है। इसके पेज आप देख सकते हैं, पेज कहाँ से लगा है, ये पेज लगे हुए हैं। तो ये इसकी ग्रे रबड़ है, इसमें ब्लैक भी होती है और ग्रे भी होती है। के बाद ये डिवाइडर जिसको बोलते हैं मोलियन डिवाइडर, और इसका ये स्टील है, ये पेच इसको लगे हुए हैं। उसके बाद ये आ गया स्लाइडिंग सैश है, ये इसके साथ रिंग फोर्स लगा हुआ है। रिंग फोर्स ये स्टील को काबू करने में, रिंग फोर्स को काबू करने में पेचों के मदद से काबू पाया जाता है। ये स्लाइडिंग टू ट्रैक है, तुर्किश में विंड टैक प्रोफाइल है। ये इसका स्टील है। उसके बाद ये ओपनेबल सैश है, ओपनेबल सैश, और ये इसका स्टील है। ये स्लाइडिंग मल्टी पैंट यानी कि स्पिंगलेटर, और गियर लॉक भी इसको बोलते हैं। ये इसकी मूव ऑन कर रही है, ये देखें। अभी ये इसकी कीप्स हैं, यहाँ से लॉक होता है। और ये जो है ओपनेबल कुंबी, ये भी मेड इन तुर्की है, और ये इसकी कीप्स हैं, इससे लॉक किया जा सकता है। और इसके बाद ये जो है फ्रिक्शन हिंज बोला इसको, फ्रिक्शन हिंज है, ये टॉप अंग के लिए बेसिक इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टॉपर है, ये स्लाइडिंग पले जब आपस में दोनों टकराने लगे तो ये सेंटर में दिया जाता है ताकि ये स्टॉपर रोक सके उसको पीछे जाने से। और उसके बाद ये स्लाइडिंग हैंडल है, इसके दो ये पेच हैं, ये ओपनेबल है, ओपनेबल हैंडल। उसके बाद ये तुर्की का ट्रैक है, ये तुर्किश का ट्रैक है, रेलिंग ट्रैक। उसके बाद ये जो है ब्लॉक है, नीचे लगाया जाता है होल के लिए जो सुराख। अच्छा, इसको ब्लॉक बोलते हैं। ये नीचे जो स्लाइडिंग में वो आता है ना, गैप आता है, तो ये उस गैप को कवर करने के, यानी कि चींटी वगैरह मक्खी अंदर ना आ सके, मच्छर ना आ सके। आप ये देख सकते हैं, ये फिक्स डबल ग्लास, ये फिक्स के लिए होता है फिक्स डबल ग्लास, और ये ओपनेबल को भी लगती है। तो ये फिक्स डबल ग्लास, उसके बाद ये ओपनेबल की कीप है, ये कीप बेसिक इसको कीप भी बोलते हैं, लॉक कीप भी बोलते हैं, और इसके बाद टिप भी बोलते हैं इसको। तो ये ब्लैक रबर, ये उसमें तुर्की में ब्लैक रबर। अच्छा, ये ब्लैक रबड़ है। उसके बाद ये आ गया आपकी ग्रे रबड़, दोबारा आ गई ग्रे रबड़, वो डली हुई थी, ये अलहदा हमने लगाई है। उसके बाद इसको बोलते हैं डी कैप, ये जो पानी वाले सुराख लगाते हैं ना, ये इसके ऊपर कवर करने के लिए लगाते हैं। और ये स्लाइडिंग की, जो स्लाइडिंग मल्टीपैंड के साथ अटैच कीप लगाते हैं ना, ये वो है कीप लॉक करने के लिए। और ये जाली व्हील है तुर्की में। उसके बाद ये जो है ओपनेबल स्लाइडिंग का व्हील है, ये स्लाइडिंग व्हील है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे व्हील लगा रहा है, मूव ऑन कर रहा है, तो ये स्लाइड करने के लिए बेसिक इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये देख रहे हैं, ये मूलियन कनेक्टर है, ये मूलियन कनेक्टर डिवाइडर कनेक्टर है, डिवाइडर कनेक्ट, ये आपस में जोड़ने के लिए, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये फिक्स सिंगल गिलास बीट, फिक्स सिंगल गिलास बीट हमेशा सिंगल गिलास को लगाई जाती है, जो 5 mm है मैक्सिमम, ये 8 mm को लग सकती है। उसके बाद ये है विंडो हिंज, इसको ये 90 mm का होता है बेसिक, और 100 mm भी मिल सकता है। इसके बाद
ये बेसिक जो है तुर्की में जो आ रहा है आजकल वो आ रहा है 90 mm, 90 mm, और ये इसकी किली है, ये इसको कवर करने के लिए। उसके बाद ये होल कैप है, इसको होल कैप बोलते हैं, ये जो पेच लगाते हैं उसके ऊपर लगाना पड़ता है ताकि वो छुप जाए सुराख। उसके बाद ये ओपनेबल की स्टे है, ठीक है, ये ओपनेबल में तुर्की की स्टे है।